गाइस आज मैं गया था एक बहुत ही स्पेशल जगह में जहाँ पर रबड़ी बनती है जी गाइस। मैं जो वहाँ गया था जहाँ पर रबड़ी बनती है और जहाँ से सप्लाई होती है रबड़ियों की, गाइस ये रहा लिखा हुआ बंगाली में लक्ष्मी गणेश रबड़ी भंडार। तो गाइस ये लोग यहाँ पे एक शो होता है दीदी नंबर वन कलकत्ता में, तो वहाँ पे वो लोग गए थे। तो गाइस ये देखिए रबड़ी बनाने का प्रोसेस, रबड़ी मतलब एक्चुअली बनती कैसी है, हम तो बस दुकान में खा लेते हैं पर उसके पीछे जो मेहनत है वो गाइस मैंने देखा आज। तो ये गाइस देख लो कैसे हवा मार मार के दूध को उबाल उबाल के उसको जो मलाई है उसको साइड में चिपका रहे हैं उसको कढ़ाई के। एंड गाइस ये ऑलरेडी रेडी हो रखी है, मेरे ने तीन कढ़ाई ऑलरेडी रेडी कर रखी है। तो गाइस इन तीनों कढ़ाई में से एक है शुगर फ्री जो उधर वाली इसमें कड़छी रखी हुई है, और जो ये अंकल जो इसमें जो मतलब रबड़ी बनाएंगे अब जो ये साइड में चिपका हुआ है सारी मलाई, अभी देखो गाइस काटने का स्टाइल इनका। ये लोग एकदम बर्फी जैसे बर्फी होती है ना स्क्वायर शेप में, उसी शेप में ये लोग काट देंगे। तो ये प्रोसेस देख के तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया। तो जो आप एक कड़ची रखी है दिख रहा होगा आपको वो शुगर फ्री है और ये वाली शुगर वाली है। गाइस नीचे इसका दूध है, दूध में चीनी मिला रखा है एंड कलर इसका येलो, ऑलरेडी सुखाएंगे तो मलाई कलर येलो हो ही जाता है। गाइस काटने का स्टाइल देखो, अब गाइस ये लोग निकालेंगे उसको, ये देखो गाइस हमें तो लग रहा है बहुत इजी है स्मूथली वो काम कर रहे हैं कि उनका वो डेली का है। गाइस वन मोर थिंग, ये डेली सुबह 4 बजे जाते हैं कलकत्ता सप्लाई करने के लिए एंड एवरी संडे उनके घर के बाहर भीड़ होती है, बाहर बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और इनका मतलब रबड़ी लेके जाते हैं यहाँ से। तो मैं भी आया क्योंकि मेरे भैया के नोन में ही है ये, तो ही मुझे लेके आए हैं। एंड गाइस इस पूरे एरिया का नाम ही रबड़ी पाड़ा है, पाड़ा मीन्स एरिया। एंड गाइस हमारी रबड़ी रेडी है, तो गाइस दूध में भिगा दिया उन्होंने, थोड़ा सा दिया था हमको, मैंने भैया को बोला टेस्ट करने के लिए, भैया को थोड़ा डायबिटीज़ है इसलिए भैया ने थोड़ा सा एकदम टेस्ट किया ज़रा सा। तो गाइस अब बारी है मेरी, अब मैं खाऊंगा मेरा फेवरेट रबड़ी, कहीं से भी खा लूँ मैं, मज़ा आएगा इस। तो मैंने थोड़ा सा वो मलाई लिया और दूध पिया, मज़ा आ गया गाइस। मतलब कुछ बोल नहीं पाऊँगा, मतलब जो मैं दुकान पे खाता हूँ। फिर लास्ट में हमने पैक किया, फिर हम उससे निकल पड़े।